सर, ये रात को तकरीबन 12 बजे 12:30 के टाइम ये वाक़ पेश हुआ। हम लोग घर पे थे तो हमें फ़ोन किया ये चौकीदारों ने, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। ये जो अभी जी भी आपको नज़र आ रहा है, हादसा हुआ है, बिल्कुल हम लोग दुकान के सामने हुआ है। तकरीबन दुकान के अंदर बिल्कुल गया है। तकरीबन बहुत बड़ा हम लोग कारोबार था, सब राख के जल के ख़त्म हो गया सर। कितने का नुकसान हुआ सर? तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक हुआ है सर। सर, इस पे हम लोग होलसेल का दुकान था, सिगरेट वगैरह पड़ा हुआ था, और क्रीम का एक जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर उठाया था, उसका तकरीबन 70-80 कार्टन पड़ा हुआ था। आपको पता है सर, एक सिगरेट डिनल का एक डब्बी जो है ना आजकल 250-300 तक है, उसी का कार्टन पड़ा हुआ था। बहुत सिगरेट तो आपको पता है वो महंगा चीज़ होता है, और घी वगैरह सब कुछ होलसेल का दुकान था सर। मेरा नाम टकरी हमीद मंगुल जी और अंजुमन ताजरान दुकानदार बलूचिस्तान का चेयरमैन हूँ। कल रात को ये वाकया हुआ है और अभी भी टैंकर से पानी वो पेट्रोल गिर रहा है और ये बहुत दूसरे खतरे का भी सबब बन सकता है। हुकूमत का है, कितना नुकसान हुआ मजबूत तौर पर बताएं। गुजारिश है, रात को 12:20 पे यहाँ पे ये वाकया पेश आया। ये आयल टैंकर तेज़ रफ्तारी की बायस यहाँ पे उलट गई है, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, और पेट्रोल की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी आग भड़क उठी। और उसी टाइम हम लोगों ने फायर ब्रिगेड से रابطہ किया, पुलिस से रابطہ किया, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से रابطہ किया। यहाँ पर उनके नुमाइंदे आए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच गए, यहाँ पर आग पर काबू पा लिया। अलबत्त यहाँ पर कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो 5 बंदे बताए जाते हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल है इस वक्त, और इससे करोड़ों रुपये उनका नुकसान हुआ है ताजर बिरादरी को। हमारी गवर्नमेंट से मुतालिबा है कि यहाँ के जो ताजिर बिरादरी मुतासर हुए उनका मुआवजा जल्द अज जल्द दिया जाए। सर, अभी भी टैंकर से ऑयल गिर रहा है तो? जी हाँ, हमने इतला दी है पुलिस इंतजामिया कि दोबारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई जाएं ताकि इस आग पे काबू पाया जा सके, और ज़्यादा अंदेशा है कि और नुकसान ना हो। यहाँ पे रात को तो यहाँ पे लोग नहीं थे, 7 बजे लॉकडाउन हुई, दुकानें बंद थी। खुदा न खास्ता अगर कोई आग भड़क उठी इस टाइम तो यहाँ पर बहुत जानी नुकसान होने का ख़तरा है। 45 से 50 दुकानें हैं तकरीबन। अलहदा तरीन जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तर्जुमान बलूचिस्तान, जहाँ तक नुकसान की बात है, इसका तो अभी इसके बाद ही जब दुकानदार सब हाजिर होंगे, वो अपनी दुकानों को देखेंगे, नुकसान का अंदाज़ा तब लगाया जा सकता है। 40 से 50 के दरमियान दुकानें जली है, यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए और इसके एक शफाफ तरीके से तमाम दुकानदारों को मुआवजा देने के लिए असेसमेंट कमेटी बनाई जाए, ताकि इन दुकानदारों को वापस कुछ मिले और ये वापस अपने पांव पे खड़े हो सके, क्योंकि इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो थी वो सब जलकर राख हो गई है। तो हम अंजुमन ताजरान के तौर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसके लिए कमेटी बनाई जाए और इसके असेसमेंट करके इन दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए।